अबे चल उसको हम लोग याद नहीं है, तू चिंता मत कर, मैं कह रहा हूँ तेरे से। हाय राघव, अंदर आओ, अंदर आओ। हाँ, अंकल ने बुलाया था, उन्होंने कहा कि उनके पास कोई शेड है, वो मुझे दिखाना चाहते हैं। वो तो अभी ऑफिस में ही है। राघव आया शेड देखने के लिए, ये होटल के लिए अच्छा कैसा रहेगा? वहाँ एक नाई की दुकान थी ना, तो उससे हमें क्या मतलब, राघव समझ लेगा, वो कोई बच्चा नहीं है। अरे इस तरह से चिल्लाइए मत, मैंने फोन स्पीकर पे रखा हुआ है। लगता है तुम पूरी डील को बर्बाद करने वाली हो। फोन दो उसे। अरे एक बार देख लेते हैं, फैसला बाद में कर लेंगे। अंकल फोन पर हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। बात कर लो। हेलो अंकल। राघव ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं तुम्हें एड्रेस बता देता हूँ, चाबियां लेकर चले जाओ, डोंका रोड की तीसरी गली में तुम्हें साईं बाबा का मंदिर दिखाई देगा। अंकल मुझे गुंटूर के बारे में इतना पता नहीं है। ऐसी बात है क्या? अच्छा संध्या वहाँ है क्या? संध्या से बात करनी होगी। संध्या, संध्या, तुम्हारे पापा हैं। हाँ पापा। संध्या राघव के साथ जाओ और उसे हमारा शेड दिखा दो। मैं? और नहीं तो कौन? अरे वो तुम्हारे भाई जैसा ही है। ये इतना कबाड़ा क्यों है? ठीक है, मैं आसपास के शेड देखकर आता हूँ, तब तक तुम अपने भाई को सब कुछ समझा देना, ठीक है? ये छोटू जरा इस तरफ तो आ, तेरे से बात करनी है। ठीक है अंकल। अच्छा सुन, तू कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैं सिक्स्थ में हूँ अंकल। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं अंकल को बोल दूंगा कि मुझे शेड पसंद नहीं आया, वो तो मैं इसलिए आ गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक बार देख लो, मैं चलता हूँ। हाँ लगता है मैंने तुम्हें यहाँ पहले भी देखा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये फर्स्ट टाइम गुंटूर में आया है। मुझे शेड नहीं चाहिए अंकल। लेकिन क्यों, पसंद नहीं आया? वो क्या है कि शेड के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है और वो शहर के बीच में भी नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम पहले आदमी हो जिसे ये शेड पसंद नहीं आया। राघव एक बार होटल शुरू हो गया तो सब पेड़ के पास वाला होटल कहना शुरू कर देंगे। वैसे तुम्हारा बजट क्या है? मैं लीज पे लेना चाह रहा था, करीब 4 लाख के आसपास। चार लाख में कोई शेड नहीं मिलेगा, ये गुंटूर है, कोलाकलूर नहीं है। देखो मैं किसी और को बेचना चाहूं तो मुझे आसानी से 6 लाख मिल जाएंगे, लेकिन तुम मेरे पहचान के हो इसलिए मैं 5 लाख में दे दूंगा। सोच लो, जगह और कीमत बहुत अच्छी है, इस रेट में यहाँ तुम्हें इससे अच्छी जगह कहीं नहीं मिलेगी। नहीं अंकल, हमने ना लेने का फैसला कर लिया है। अरे लेकिन क्यों? चलता हूँ अंकल, बाय। कुछ तो लिख। क्या हुआ, बड़ी जल्दी पेपर खत्म हो गया? हाँ। कैसा रहा? सुपर, बहुत अच्छा। सच कह रहे हो? हाँ। क्या थोड़ी देर रुक सकते हो? क्यों, तुम्हें कुछ कहना है क्या? हाँ कुछ नहीं, ऐसे ही। आगे की प्लानिंग क्या है? हॉस्टल खाली करके घर जाऊंगा, और क्या? मेरा मतलब पढ़ाई क्या करने वाले हो? एम्स में जाने की तो कोई उम्मीद है नहीं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा। और तुम? पता नहीं, पापा जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। पता नहीं फिर कब मिल पाएंगे हम। फिर से क्यों मिलना है तुम्हें? राघव। हुँ? हुँ?
मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। बात बोलो ना। मैं बोलो बोलो ना। एग्जाम अच्छा गया ना बेटा? बैठ जाओ। यार वो तो अंदर चली गई। अच्छा सुनो, एग्जाम कैसा रहा? हाँ अच्छा रहा माँ। हाँ कमला, एक कप कॉफी देना। हाँ दूध नहीं है, जाकर लेकर आओ। यामिनी के घर जा रही हूँ, कुछ डाउट से सॉल्व करना। हाँ। अभी देख वो तो वापस आ गई। ओ हमें वहां बुला रही है। बैठ बैठ, चल चल चल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कुछ बोलने वाली थी ना, इसलिए। अभी नहीं, प्लीज चले जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं संध्या, बताओ ना क्या बोलना चाहती हो तुम, बताओ ना। मैं सुनना चाहता हूँ संध्या, प्लीज बताओ। प्लीज, इस इलाके में सब लोग मुझे जानते हैं, मेरी बात सुनो, प्लीज चले जाओ। मत करो संध्या, मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो, मुझे तुम्हारे मुँह से सुनना है, प्लीज बोलो ना। राघव अभी नहीं। तुम बोलो तो सही, मैं मान जाऊंगा। बोलो ना संध्या। मेरी बात सुनो, कुछ बात बात करेंगे। बोलो ना, बोलो तो सही। संध्या समझो ना राघव। अबे संध्या के पापा आ रहे हैं। राघव मेरे पापा आ रहे हैं, प्लीज प्लीज चले जाओ। आई लव यू संध्या, चल जल्दी कर बैठ। जल्दी चल चल, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, चल रहा हूँ। अरे अरे आप क्यों उस पे चिल्ला रहे हैं? पूछो जरा उससे, गृह प्रवेश में चटनी पहुंचानी थी पर वो कहीं और चला गया। माँ मैं गुंटूर में होटल शुरू करना चाहता हूँ, मैं एक जगह पे जिंदगी नहीं काट सकता। गुंटूर में जाके ऐसा क्या कर लेगा, 25 साल की उम्र हो गई तेरी लेकिन अक्कल धेले भर की नहीं है। शांत हो जाइए, पहले उसकी बात तो सुन लीजिए। सुनने के लिए अब राय क्या है, अब मुझे सीनू की बात सुननी पड़ेगी। इसने जो काम किया है उस वजह से उस बेवकूफ से सुनना पड़ेगा और उसकी वजह यही है तुम्हारा लाडला। गुंटूर जाएगा, ये पता नहीं क्या कर लेगा गुंटूर। हाँ, जाके मैं जाऊंगा। क्यों क्या हो गया? सब लोग यहाँ पे कहते हैं मैं मुंबई चटनी बहुत अच्छी बनाता हूँ, बस इन्हें ही समझ में नहीं आता है यहाँ पे क्या होता है। बस अपना होटल बेकार के लोगों के बैठने का अड्डा बन गया है माँ। गुंटूर में तो बहुत लोग आके बैठ जाएंगे ना।
सुन ले, ये इतना आसान नहीं है। गुंटूर के हर कोने में होटल खुला हुआ है। हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां कोई मुंबई चटनी नहीं बना सकता है। मुझे खुद पे भरोसा है, मैं होटल चला सकता हूँ। यहाँ बैठ के मुझे अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करनी है, मैं वहां जाके होटल खोलूंगा। अब सुन लो इसकी बात, दाढ़ की तरह लंबा हो गया लेकिन अक्कल बिल्कुल नहीं आई। अरे बेटा कुछ खा के जाओ, मैंने बहुत सारा खाना बनाया है। किसी भिखारी को दे दो, थोड़ा मसाला लगा के कल उसी को खिला देना। चिल्लाना जरूरी है, आपको बात करना नहीं आता और वो समझता नहीं है, दोनों के बीच में मैं फंस जाती हूँ। एक दिन मैं ही कहीं चली जाऊंगी यहाँ से। अच्छा सुनो, मेरा पैर दर्द कर रहा है, थोड़ी मालिश कर दोगी? क्या हुआ माँ, ठीक तो हो ना? तबीयत खराब है? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसी ही लेटी हूँ। हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं माँ, मैंने खाना खा लिया है, आपने खाया? खा लिया मैंने। क्या तुम उस नागेश्वर राव का शेड ले रहे हो क्या? उसने तुम्हारे पापा को फोन किया था। पापा ने कुछ बोला क्या? इतना सीरियस क्यों हो रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई मिनिस्टर हो कि तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल जाएगा? अरे बापरे, जैसे कि मुझे इस घर में सब कुछ आसानी से मिल गया हो। अच्छा, तो तुम्हें किस चीज की कमी है बेटा? अरे ये तेल की बोतल कहाँ रखी है? ठीक है, उनके सामने बात मत करना, सो जा, हम कल बात करेंगे। ठीक है। हाँ, यहाँ पर है। तुम बुढ़ी हो गई हो, डॉक्टर ने खासकर जमीन पर बैठने के लिए मना किया है, लेकिन तुम तो सुनोगी नहीं ना। तुमने और तुम्हारे बेटे ने मेरी बात कब सुनी है? रुकिए, फिर से स्टार्ट मत हो जाइए, झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्यों, हर बात की वजह मैं होता हूँ क्या? वो इतना बड़ा हो गया है कि खुद की होटल शुरू कर सकता है? बापरे, आराम से, वो बड़ा हो गया है और आप ही कहते हैं ना कि उसे जिंदगी में कुछ अच्छा काम करना चाहिए। और देखिए, वो अपने दम पे कोशिश तो कर रहा है ना, तो उसे खुद का काम करने दीजिए। हाँ तो ठीक है, पैसे का इंतजाम भी उसे खुद ही करने को बोलो, मैं उसे फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। अरे बापरे, जैसे कि आपके पास कोई बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है। आपको याद है ना, 30 साल पहले जब आए थे तो आपने क्या कहा था? मेरे पापा ने कुछ नहीं दिया, नहीं मेरे लिए कुछ बचाया है। आपने बोला था अगर मदद मिल जाती तो अच्छा होता, कहा था ना ऐसा? अब हमारा बेटा भी तो ऐसा ही सोचेगा ना। मैं ही उसकी देखभाल कर रहा हूँ ना, हमेशा से मैं ही गलत होता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं समझता। उसे चिट फंड का पैसा दे दीजिए ताकि श्रेड के लिए एडवांस भर सके और अपना काम स्टार्ट करे। ना ना, मैं नहीं दूंगा। क्या हुआ जी, सिर्फ एक पैर की मालिश की इसकी कौन करेगा? नहीं, मुझे नींद आ रही है, अब तुम खुद कर लो। बापरे, इन्हें समझाना बहुत मुश्किल काम है। हम संभाल लेंगे, तुम जाके नहा कर आ जाओ, गर्म पानी तैयार है। तैयार हो गए? आओ, भगवान का आशीर्वाद ले लो। नहीं, ये लो पैसे, जाओ नागेश्वर राव को एडवांस दे दो। क्या बात है माँ, अचानक से इतना ज्यादा बदलाव? रात में भगवान ने सपने में कुछ बोला क्या? हाँ, तुम्हारी मदद तो हम ही करेंगे ना, तुम्हें क्या है, तुम्हारे लिए हम दोनों तो है ना। पर एक बात समझ लो, पैसे लगाने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। जाओ, जाके पैसे दे आओ। अरे बाप, पैसों को ढंग से खर्च करना। क्या इसके लिए तुम्हारे पापा राजी हो गए? लेकिन कल तो तुम कुछ और ही बोल रहे थे। अगर बात इतने पैसों की हो तो थोड़ा तो सोचना पड़ता है ना। ये तुमने अच्छा फैसला लिया राघव, मेरी सोच यह है कि नौकरी से बेहतर बिजनेस होता है। और हाँ राघव, ये एडवांस मैं वापस नहीं करने वाला हूँ। अरे, मैं ऊपर के हिस्से को बनाने की सोच रहा हूँ ताकि उसे भाड़े पर दे सकूं। ओ, जब तुम बाकी के पैसे दोगे तब मैं उसे बनाऊंगा। अगले हफ्ते और पैसे आ जाएंगे। हाँ, बाकी के बचे पैसे हम दे देंगे। हाँ ठीक है। अच्छा चलता हूँ। हाँ, आराम से जाओ। अच्छा नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। भाई साहब, मैं यहाँ हूँ। इतनी देर क्यों हो गई? अरे बस ऐसे। हाँ राघव। हाँ अंकल। क्या मल्लिका अर्जुन राव के बारे में पता चला? हाँ कुछ नहीं। लक्ष्मी कैसी है? बहुत दिन हो गए उससे मिले। हाँ वो अच्छी है। जब अगली बार आइएगा तो उसे भी लेकर आइएगा। हाँ ठीक है ठीक है।
थक गई हूँ रोज रोज ये झाड़ू और सीमेंट लगा लगा कर। कल से ये काम आप खुद कीजिएगा। देखना इस शादी के काम के बाद ना तेरे लिए एक बहुत बड़ा काम आएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम घर बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन घर बनाने के लिए तो पैसे चाहिए ना, तो रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे हैं? लोन लेकर पैसों का इंतजाम बड़ी आसानी से हो सकता है, पर अच्छी जमीन मिलना इतना आसान थोड़ी ना है। वैसे भी वहाँ पर हाईवे बन रहा है, तुम्हारे पापा को ऑफिस से पता चला, हो सकता है जमीन की कीमत 10 गुना ज्यादा बढ़ गई हो, हमें अच्छे दाम मिल सकते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? क्या ये सच है? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुझसे, चल आजा और सब्जी काट कर दे। ओह नहीं, अब कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? गोपाल है क्या आंटी? वो तो अभी नहा रहा है। तुम कौन हो बेटी? मैं संध्या हूँ आंटी। संध्या, क्या बात है, गोपाल से क्या बात करनी है? बहुत जरूरी काम है आंटी, मैं गोपाल की दोस्त हूँ। अच्छा रुको, बेटा गोपाल। गोपाल। हाँ? संध्या का फोन आया है। संध्या? वो मुझे क्यों फोन कर रही है? उसको बोलो मैं नहाने के बाद फोन करूंगा उसे। वो तुम्हें फोन कर लेगा। ये क्या फोन कट कर दिया उसने? कॉल करने के लिए आपका बैलेंस पर्याप्त नहीं है। माँ आपका फोन कहाँ है? तुम्हारे पापा ले गए हैं उसे ठीक कराने के लिए। चलो तुम सब्जियां काट कर दो मुझे। अरे कहाँ जा रही हो? माँ कुछ जरूरी काम है। अरे लौकी छीलने से ज्यादा और जरूरी काम क्या हो सकता है? आपको यामिनी याद है, मेरी जूनियर? उसने कॉल किया था कि वो सेंटर पर पहुंच गई है, उसे कुछ नोट्स देने हैं, जाती हूँ। अरे तेरे हाथ में फोन है, बुक्स कहाँ है? भूल गई। अरे अरे सुन तो माँ, क्यों परेशान कर रही है? एक बार मैं क्यों नहीं कहती सब? अभी ऐसे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलेगी क्या? कपड़े तो बदल ले। पागल हो गई है ये लड़की। हटिए हटिए हटिए, नागेश्वर जी अगला नंबर आपका है। हाँ, आइए भाई साहब। हाँ। आइए, हमारा नंबर आ गया। अंकल जल्दी से रिचार्ज कीजिए प्लीज। अंकल जल्दी कीजिए ना। अपना नंबर लिख दो बेटा। अंकल इतना टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी कीजिए ना। जरा आप एक मिनट रुकिए। आजकल के बच्चे हमेशा जल्दी में रहते हैं। मेरा फोन कहाँ है? अपना नंबर बताओ। 9880 3 6 6 2 2 5 5 2 2 9 9। हाँ सर जी नमस्ते। हेलो गोपाल। हाँ संध्या, मैं तुमको ही फोन करने वाला था। हाँ हाँ, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे पापा तो बहुत चालाक हैं। ठीक है, मैं राघव के पापा से बात करता हूँ, तुम राघव को फोन करो। ये हमारी जमीन के कागज हैं। अरे उठाइए। सॉरी। हेलो गोपाल। देखो वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, तुम राघव को फोन लगाती रहो। हाँ
थैंक यू। किसी पागल का फोन आ रहा है। तुमने ऐसा नाम क्यों रखा है? अरे कुछ नहीं अंकल, बस ऐसे ही। छे! हाँ। hey, संध्या, क्या हुआ? तुम इतना कॉल क्यों कर रही थी? मैं तुम्हारे और अपने पापा के बीच में फंस गया था, इसीलिए फोन नहीं उठा पाया। बताओ ना क्या है? रजिस्ट्रेशन हो गया क्या? हाँ बस अभी किया, ऑफिस के बाहर ही हूँ। मैं उसे रोकने के लिए कॉल कर रही थी। रोकने के लिए? पर क्यों और किस लिए? ये तुम क्या बोल रही हो संध्या? क्या तुम सच बोल रही हो? अरे बाप रे, अगर मेरे पापा को पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। अरे क्या हुआ, तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं क्या कि मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आया हूँ? ये काम ज़रा जरूरी है, फोन उठाऊं मैं? वहाँ के बात करता हूँ मैं तुमसे। क्या हुआ, गोपाल ने कुछ बोला क्या पापा? उसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया, लगातार फोन किए जा रहा था। मिल गया तो उसकी मैं खाल उधेड़ दूं। बेटा इसे भी ले जाओ। हाँ। कुंडल राव, क्या ये सच है कि आपका बेटा गुंटूर जा रहा है? इस फोटो को 10 सेकंड में 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, फिर तुम्हें कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। क्यों कुंडल राव, संथा मंगलुरु के पास तुम्हारी जमीन है ना? हाँ है ना, पर क्यों? इसके बारे में अखबार में लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है अखबार में? लिखा है वहाँ कोई हाईवे बनने वाला है, जिससे वहाँ जमीन की कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। क्या 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 बोल रहे हो तुम? इसका मतलब 5 लाख की जमीन अब 50 लाख में हो जाएगी। सही क्या? लगता है कुंडल राव का जैकपॉट लग गया है। ए, जल्दी कर, गाड़ी स्टार्ट कर। और भी गोपाल, जल्दी गाड़ी में बैठ, जल्दी कर, जल्दी करो यार, जल्दी कर, जल्दी कर, चल। हाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं, चल चल चल, जल्दी कर, चल। रुक जा, मैं कह रहा हूँ रुक। ए रुक जा।